अनूपगढ़ के विजयनगर से बड़ी खबर मिल रही है। बाइक और कार में टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर। दोनों बाइक्स पर सवार थे 6 लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बाइक और कार में टक्कर हुई है। हादसा हुआ है दर्दनाक, दुखद और ये भीषण हादसा। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर। दोनों बाइक्स पर बताया जा रहा है कि 6 लोग सवार थे। बाइक और कार में टक्कर हुई है। विजयनगर से बड़ी खबर, अनूपगढ़ के बाइक और कार में टक्कर होती है। ये हादसा होता है दुखद दर्दनाक हादसा। 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दोनों बाइक्स पर दरअसल जानकारी मिली है कि 6 लोग सवार थे। 6 लोग बाइक्स पर सवार थे, कार से टक्कर हुई और ये हादसा हुआ और 6 लोगों की मौत हो गई। अब किस वजह से यह हादसा रहा, क्या वजह रही, वो पता लगाने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ है। कार और बाइक की टक्कर कैसे हुई, क्या बैलेंस बिगड़ गया था या फिर किसी की गलती थी या फिर कोई अन्य वजह। दोनों बाइक पर सवार 6 लोग जिनकी मौत हुई है। अनूपगढ़ के विजयनगर से यह खबर। और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर जो 6 लोग सवार थे, दो बाइक जिन पर 6 लोग सवार, तीन तीन लोग एक एक बाइक पर सवार, उनकी मौत की खबर। अब जानकारी इस पूरे मामले की जुटाई जा रही है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है। अनूपगढ़ के विजयनगर से बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा, 6 लोगों की मौत हो गई है। बाइक और कार में टक्कर की वजह से हादसे की बात निकलकर सामने आई है। लेकिन गलती किसकी थी, किस वजह से हादसा हुआ, रॉन्ग साइड पर कोई आ रहा था या फिर सामने से तेज रफ्तार से कोई वाहन आ रहा था या फिर कोई अन्य वजह रही हो इस पूरे हादसे की, चलिए जानते हैं। कमल मिड्ढा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर है। कमल, क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी और है? दीपिका, हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये देर रात का हादसा है। यह लोग जो है रात्रि कालीन जागरण में जाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान जो है देर रात्रि के समय में 25 GB जो स्थानीय गांव का बस स्टैंड है उसके पास ये हादसा हुआ। अचानक ही हादसा हुआ है, लेकिन अब तक इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि कारण इसके क्या रहे। इसमें जो है दो बाइक को कार और दो बाइक के बीच, जिसमें बाइक पे सवार जो 3 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में जो गंभीर घायल 3 लोग थे इन्हें श्री विजयनगर लाया गया। फर्स्ट एड के बाद इन्हें श्री गंगानगर रेफर किया गया जिला मुख्यालय पर, परंतु उपचार के दौरान उन 3 लोगों ने भी दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कुल 6 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। दो बाइकों की कार से कैसे भिड़ंत हुई कमल, इसके संबंध में क्या किसी ने कोई हादसा देखा या फिर किसी स्थानीय की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही है क्या? स्थानीय एक व्यक्ति ने हमें मौके पर बताया कि ये जो हादसा था बड़ा भीषण था। यह सभी लोग एक जागरण में जाकर आ रहे थे, अचानक जो है वो कार थोड़ी अनियंत्रित हुई, जिसके बाद बाइकें और कार जो है आपस में भिड़ी और इस पे जो कुल जो सवार लोग बाइक पे वो 6 लोग थे। इसके बाद जो है आसपास स्टेट हाईवे 94 के नीचे गड्ढे में कुछ लोग गिर गए और मौके पर ही बताते प्रथम दृष्टया जो मौके के जो लोग थे आसपास के, उन्होंने बताया कि मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि आसपास के जो गुजर रहे लोग थे वो बाकी के जो 3 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय लाए और उसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जो है श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय चिकित्सालय में रेफर किया गया, परंतु उन 3 लोगों ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। क्या और स्थानीय लोगों ने कमल क्या बताया कि क्या कार ने बाइक को टक्कर मारी थी या फिर बाइक की स्पीड ज्यादा थी? स्थानीय लोगों से जो हमें जानकारी मिली है उसमें यही मिली है कि कार प्रथम रूप से जो है अनियंत्रित हुई थी, जिसके कारण बाइकों और कार में भिड़ंत हो गई। ये सभी लोग जो है एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और एक परिवार के इस हादसे में 4 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, जिसके कारण जो है गांव में गंभीर माहौल है। और ये कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं कमल? ये बख्तावरपुरा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। और जैसे ही इनके गांव में इस चीज की सूचना मिली है कि रात्रिकालीन समय में ये भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है, एक ही परिवार के लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जो है अब गांव के लोग हैं वो श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे हैं। ठीक। और जो मृतकों के शव है वो राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी रूम में रखवाए गए थे। जी ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं सहयोगी कि कार तेज रफ्तार थी, कार की अनियंत्रित होती है और बाइक को टक्कर मारती है और यह हादसा होता है और बाइक पर सवार 6 लोगों की मौत हो जाती है। I
हमने देखा दो बाइक है, दोनों को टक्कर मारी है कार ने। हाँ जी। और लगभग यहाँ दो तो रोड के ऊपर पड़े थे, बाकी नीचे गिरे हुए थे चार बंदे। ऑन द स्पॉट तीन एक्सपायर हो गए और तीन वहाँ गंगानगर पहुँचने के बाद रेफर किया था, वो वहाँ एक्सपायर हो गए। एक परिवार के चार बंदे थे, ये बख्तावरपुरा के बताए जा रहे हैं।